इतना क्यों इतराती है? अगले साल मैं भी पास हो जाऊंगा। कैसे? जैसे तू हुई है। मतलब तुम भी कहीं बनोगे? हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और न्यू अमेजिंग वीडियो में। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई फनी वीडियो वायरल होती रहती है, जो कि एंटरटेनमेंट से भरपूर होती है और हंसी का पात्र भी बनती है, जिन्हें देखकर हंसते हंसते हमारा पेट दर्द होने लगता है। आज हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई कुछ ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं, जिन्हें देखकर आपका भी हंसी के मारे पेट दर्द करने लगेगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपको क्या लगता है, ये लड़के कोई महान काम कर रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत है। यह तो शाम की पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। सारे चद्दर बंगाल में बेचकर शाम को सभी पार्टी करते हैं। अगर आपने भी आपका घर किराए से दे रखा है और आपके भी घर के ऊपर चद्दर है, तो आप अपने किराएदारों से सावधान रहे। पता नहीं कब उनकी पार्टी का मूड बन जाए और पार्टी करने के लिए जेब में पैसे ना हो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कुछ लोग होते हैं जो आसमान में उड़ना चाहते हैं और उड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में हमने भी कुछ पाप किए हैं, जिनकी सजा भगवान हमें ऐसे कमीने दोस्त बनाकर दे रहा है। कुछ भी उड़ने उड़ाने की सोचो तो उस पर पानी फेर देते हैं, जैसे कि इस पर फेरा। भाई, वैलेंटाइन डे के दिन लोग पता नहीं क्या क्या उठाते हैं, लेकिन मैं बस मुद्दा उठाने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। यहाँ पर जब लड़का इस लड़की को प्रपोज करता है तो लड़की ऐसे खुश हो जाती है मानो जैसे लड़की को बहुत बड़ा मिल गया हो। सरप्राइज भाई, अरे आराम से दीदी, लगता है किसी ने पहली बार प्रपोज किया है। प्रपोज कम, दिल का दोहरा ज्यादा लग रहा है। दोस्तों, आजकल के टाइम आपको हर जगह कंपटीशन देखने को मिलेगा, चाहे वो बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो या फिर किसी और चीज में, लेकिन आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ऐसा कंपटीशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस बंदे ने तो डांस के मामले में सपना चौधरी को भी फेल कर दिया। इसे तो राजकीय नर्तकी का अवार्ड मिलना चाहिए। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यहाँ पर मोहतरमा को बोट पर चढ़ना था और इनकी मदद के लिए दो होनहार युवक आगे भी आते हैं, लेकिन लगता है मोहतरमा के साथ साथ इस युवक की किस्मत भी खराब थी, क्योंकि ये लड़की को ऊपर चढ़ाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उल्टा ये लड़की इसका हाथ खींच कर इसे नदी में गिरा देती है। इसीलिए कहते हैं भाई, दया ही दुख का कारण है। अगर आपकी बार इनके घर लक्ष्मी नहीं आई तो किसी के घर लक्ष्मी नहीं आएगी। आप घर पर इस तरीके से कुछ भी ट्राई करने की कोशिश ना करें, वरना फालतू में आपके नाम की खीर पूरी बढ़ जाएगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आजकल लोग मोबाइल चोरी होने से इतना डरने लगे हैं कि अब उन्हें हर जगह बस चोर ही चोर नजर आते हैं। जैसे कि ये लड़का इसके दोस्त के साथ बैठकर मोबाइल चला रहा था, तभी इनके तरफ कोई आ रहा होता है, तो ये लड़का डर के मारे इसके दोस्त से कहता है, ये आदमी मुझे खानदानी चोर लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। तभी इसका दोस्त कुछ ऐसा जवाब देता है जिसे देखने के बाद भाई अभी तक मेरी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दादा, ये मेरे को चोर लग रहा है, मोबाइल छीनने वाला लग रहा है, शक्ल से खानदानी चोर लग रहा है, ढके तो ये निकल निकल, मोबाइल चोरी होगा। पढ़ रहे मेरा बाप है। हमारे भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो उस टैलेंट को ढूंढने की और पहचानने की। जैसे कि वीडियो क्लिप में आगे आप देख सकते हैं कि जब इस लड़के से जानवर की आवाज निकालने के लिए बोला गया तो इसने एक नहीं बल्कि बहुत सारे जानवर की आवाजें निकाली। घोड़ा
आग लगा रही हो मोर की कौआ की शेर की और वाकिलकार का भैंस की बालक की लगाड़ छोड़ेगी कोयल की। अगर यह रात के अंधेरे में जानवरों की आवाजें निकालने लग जाए तो एक पल के लिए तो जानवर भी खुद इससे डर जाएंगे। लगता है जंगल बुक का असली मोगली यही है। आप लोग वह डायलॉग तो बचपन से सुनते आए होंगे कि भाई इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, तुझे घोड़ी चढ़ना है क्या, और शादी के दिन आपको पता चले कि आपकी किस्मत में घोड़ी ही नहीं है तब क्या। अब ऐसा ही देखने को मिला यहाँ भी। दूल्हे को जब वर निकासी के लिए घोड़ी ना मिली, जनाब गधे पर ही सवार हो गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई आजकल तो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर कुछ अलग ही सीन चल रहा है। वो तो भला हो इनके जैसे सख्त टीचर का जो पिघलते नहीं है, और लड़की को देख रहे हो कैसे गुरुजी के ऊपर चढ़ी जा रही है, जैसे गुरुजी कोई इंसान ना होकर कोई सफलता की सीढ़ी हो बस ऊपर चढ़े जा रही है। Apart from yes and of course, can you say a few more lines? Yeah, yeah, shut up. देख रहे हो इसको कैसे इंग्लिश में स्वेग के साथ जवाब दे रही है, जैसे कि महारानी इंग्लैंड से आई हो, और मुंह तो ऐसे बना रखा है जैसे मुंह में कोई विमल चबा रखी हो। ये तो मुझे ढिंचक पूजा की सौतेली बहन लग रही है। नेताजी पटाखे से बचने के लिए पटाखों को जलाकर दूर भाग जाते हैं, लेकिन भाई नेताजी तो बहुत बड़े वाले फट्टू निकले, क्योंकि यह फटाखा जलाकर भागते भागते फुटबॉल की तरह नीचे गिर जाते हैं। ऐसा लगता है नेताजी भांग के नशे में है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे भाई 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 क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ। देख रहे हो भाई के दुख को, इतना दुखी हो गया है कि सब्जी के ठेले पर भी हेलमेट लगाकर घूम रहा है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम में सब्जी बेचने वाले को भी ठेले पर सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा सेफ्टी के लिए भाई। अरे अरे इसको मत लगाओ मेरे भाई, ठेले में नहीं लगाना है, ये फोर व्हीलर है, इसमें फोर व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं चलता। सीट बेल्ट चलता है तो ये फोर व्हीलर तो वो वाला भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये है कि आप किनारे किनारे से जाएं, ठीक है? बिल्कुल रिक्स। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।